इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ में। हाँ, इस वक्त अपडेट की बात करें तो ग्राम अमाहा के लड़ोरी मोजी में आज दोपहर 2 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग से खेतों में खड़ी व कट कर रखी हुई गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आनन फानन में पशुओं को चरा रहे किसानों ने आग की सूचना दमोह पुलिस को डायल 100 के माध्यम से दी। तत्परता के साथ डायल 100 के पायलट अरविंद्र चौहान व आरक्षक अभिषेक यादव ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई है। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड चालक साकेत श्रीवास्तव, फायरमैन बंटी खटीक और आवाज खान ने अपनी सूझबूझ के आग को काबू में किया। जब तक लगभग 7 बीघा के गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। यह बताना मुनासिब होगा कि बिजली विभाग द्वारा एक ट्रांसफार्मर से 5-5 लोगों को अस्थायी लाइन डलवा कर पंप चलवाए जा रहे थे, जिसके चलते बिजली लाइन लकड़ी के खम्भों पर से डली थी। अचानक किसी पशु के खम्भे से कराने से खम्भा नीचे गिर गया और दोनों तार आपस में टकरा गए और शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी उठी, जिससे खेतों में सूखी खड़ी फसल में आग लग गई। तो ये था आप तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय जय भारत।